देखिए सिमिलर क्वेश्चन जैसा लास्ट में आपने किया था वैसा ही है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है स्क्वायर। तो क्या क्या गिवन है? ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है, क्या नहीं गिवन है? माइनस का कॉमन लोगे पहले तो माइनस का इन द ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं गिवन है। मतलब इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता होगा? ए प्लस बी प्लस सी इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन इन द ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा लिखा जा सकता होगा। तो देख लीजिए आपको क्या क्या नहीं पता है। ए प्लस बी प्लस सी आपको पता है 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आपको पता है 83, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको नहीं पता है, जिसको आप निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूले से। किससे? ए प्लस बी प्लस सी का इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब वैल्यू रखो ले जाके, ए प्लस बी प्लस सी की जगह कितना रखोगे? 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह कितना आएगा? 83, और प्लस 2 इन द ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये 83 इधर चलाएगा तो 225 से क्या हो जाएगा? माइनस, और 225 में से आप 83 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 142। This implies that 142 is equals to 2 in the bracket AB plus BC plus CA dividing by 2 on 2 and 2 gets cancelled and this is 71. You can say that ki AB plus BC plus CA ka value kitna aa gaya? 71. Le jaake rakh do upar. A plus B plus C ki jagah kitna aa jayega? 15. फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह कितना रखोगे? 83 माइनस 71, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह कितना रखोगे? 71, तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू ब्रैकेट में 83 में से कितना जाएगा अगर 71, तो कितना आ जाएगा? 12, ये हो गया 12। ठीक है, अब अगर आप फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 12 से तो कितना आ जाएगा? 180, तो उसका आंसर कितना हो गया? 180। ओके, नाउ अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन और है मेरे पास इसमें, पर सिमिलर नहीं है, पर आप उसको देखिए। क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है, इसको कर लीजिएगा अभी आप, क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि 1.5 का क्यूब, ध्यान दें, ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ नोट कर रहा हूँ स्टार लगा के, 1.5 का क्यूब ओके माइनस 0.9 का क्यूब माइनस 0.6 का क्यूब। ठीक है, आपको कैसा दिखाई पड़ता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब टाइप का, कम से कम ये तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको बनाना का स्टाइल आपको पता है। देखिए प्लस 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 आना चाहिए क्यूब क्यूब और क्यूब के बीच में, है ना, पर यहाँ नहीं आ रहा है, तो बताओ कैसे बनाएंगे? 1.5 का क्यूब करोगे इसको तो, और प्लस ब्रैकेट में माइनस 0.9 का क्यूब, क्योंकि माइनस 0.9 का क्यूब वापस कितना आता होगा? साइन माइनस का, भाई 0.9 पे क्यूब लगी थी, लगाई तो अभी भी है 0.9 पे क्यूब, लेकिन साइन क्या डाल दिया अंदर? माइनस, क्योंकि आएगा फाइनल कितना खुल के? माइनस, ये कितना हो जाएगा? माइनस 0.6 का, कोई दिक्कत है इसमें? क्योंकि देखो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 करोगे तो माइनस का कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? इसको भी सॉल्व करोगे तो माइनस का क्या मिलेगा? 0.729, दोनों बार सेम तो मिल, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, दिस इज बिहेविंग लाइक ए, दिस इज बिहेविंग लाइक बी एंड दिस इज बिहेविंग लाइक सी। ए का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर? 1.5, और बी का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 0.9, और सी का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 0.6। अगर तीनों को आप जोड़ते हो तो आंसर कितना आ रहा है बताओ? ए प्लस बी प्लस सी आप कर लो कितना आ रहा है? ए सी हो कर लो, 1.5 में आप जोड़िए माइनस 0.9 और उसमें जोड़िए माइनस 0.6, तो आंसर कितना आएगा? क्यों? क्योंकि इसकी जगह 1.5 माइनस बी की जगह 0.6 माइनस
प्लस बी की जगह माइनस 0.9 प्लस सी की जगह माइनस 0.6 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1.5 प्लस रहेगा प्लस माइनस माइनस 0.9 प्लस माइनस माइनस 0.6 तो क्या हो जाएगा 1.5 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस साइन लगेगा किसका माइनस का 0.9 प्लस 0.6 कितना होता है 0.9 प्लस 0.6 9 प्लस 18 1.5 तो ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा माइनस 1.5 लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का और आंसर कितना आ गया 0 तो a प्लस b प्लस c का सम जब 0 के इक्वल होता है तो बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल होता है 3abc के यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूले में अगर a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना हो जाए तो ये पार्ट पूरा कितना हो जाता है 0 और माइनस का 3abc किधर चला जाता है राइट तो आप कह सकते हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल हो जाता है 3abc के लिखवाया है पहले ये वो वाली कंडीशनल आइडेंटिटी लगेगी तो इज इक्वल्स टू 3ab सी मतलब 3 इनटू ए ए का वैल्यू कितना है 1.5 बी का वैल्यू कितना है -0.9 और सी का वैल्यू कितना है -0.6 सबको आप आपस में मल्टीप्लाई करिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2.430 2.430 इज द आंसर इस तरीके से करेंगे बनाओ दोनों क्वेश्चन